हेलो नमस्कार बच्चों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की क्लास है ये, संविधान की। और पिछली वाली क्लास में प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रियों से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो सब कराए थे। आज जो रहेंगे उसमें तुम्हारे, आज चलेंगे 79 से, आर्टिकल अनुच्छेद 79 से, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है जी? संसद, आर्टिकल 79। संसद 79 आर्टिकल। संसद के कौन कौन से अंग हैं? एक तो आएगा जी तुम्हारा राज्यसभा, राज्यसभा। दूसरी आएगी लोकसभा, दूसरी आएगी लोकसभा, और तीसरा आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो हालांकि हो ही गया, इसके तो बारे में चर्चा ही क्या करनी है, ये हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा अब दो करानी है ये। ठीक है जी, संसद की बात बात करेंगे आज। इसमें आता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति हो चुका है तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करनी है। राज्यसभा का आर्टिकल होता है आर्टिकल 80, और उसका आर्टिकल होता है 81। आर्टिकल 81, आर्टिकल 81। ठीक है जी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के सीट शेयरिंग की। सीट शेयरिंग, सीट शेयरिंग कैसे रहेंगे? एक तो होती है इनकी इलेक्टेड और एक होती है मनोनीत। अब सबसे पहले तो ये याद रखनी है सीट शेयरिंग में, दो बात याद रखनी है। एक,
एक तो अधिकतम सीट, हाँ और एक वर्तमान करंट की। करंट और एक मैक्सिमम। ठीक है जी, कितनी है? एक इलेक्टेड वाली कितनी है? ठीक है, तो ये है मैक्सिमम 250 और करंट में कितनी है? 245। ठीक है जी, ये सीट से हो गई राज्यसभा के बारे में। अब इलेक्टेड कितनी है? अब कितनी है? 245 है। 245 में से 12 कैसी हैं? अब 12 होती हैं मनोनीत, और फिर कितनी बची है भाई? 245, 243, 233। 233 कैसी हैं? इलेक्टेड हैं ये। ये जो 12 सीट है मनोनीत, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से। तो ये होते हैं मनोनीत, तो ये होते हैं 12, और ये जो इलेक्टेड होते हैं 233। इसमें 233 में राज्य और यूटी, ये स्टेट से होती हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश, और ये होती हैं राज्यों से। ठीक है जी, 233 में स्टेट से और राज्यों से ये होती हैं। अब कितनी है अभी बताएंगे 1 मिनट में। ठीक है जी, सीट शेयरिंग में अधिकतम 250 और करंट में कितनी चल रही है? 245। लोकसभा की अधिकतम सीट कहां से है? यूपी से। यूपी से कैसी है मैक्सिमम सीट? मैक्सिमम कहां से है? यूपी से। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे कैसे ये बटी हुई हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको एक बात याद रखनी है, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं 8 सीट,
आठ सीट, इसमें तुम्हारा एक तो आएगा। जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी आएगी दिल्ली, और तीसरी आएगी पुदुचेरी। ठीक है जी, दिल्ली से आएंगी तीन, जम्मू कश्मीर से है चार सीट, और पांडिचेरी से है एक सीट। कितनी है? एक सीट, एक। ठीक है जी, ये हो जाएगी आपकी संरचना सीटों की, राज्य सभा की। अच्छा जी, चार जम्मू कश्मीर से हैं और ये हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी, अब कुछ नोट करके लिखो इसमें। फर्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट चुनाव लिखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के सदस्य वन थर्ड सदस्य, वन थर्ड सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। रिटायर होते हैं, एक तो हो गया है ये आपका बाबूजी इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक बात इंपॉर्टेंट। दूसरी, एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाते हैं ए भाई, रिटायर हो जाते हैं। तो एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। और कार्यकाल कितना माना जाएगा? हालांकि कार्यकाल तो राज्यसभा का नहीं होता है, पर फिर भी 6 साल उसमें दिखा रखा है, लेकिन 6 साल वो ठीक नहीं है। ये जो इसका मेन वो है, रीजन ये है, वन थर्ड सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, जितने टोटल सदस्य हैं उनका वन थर्ड हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, और दोबारा रिक्तियां उनकी भर दी जाएंगी जिस स्टेट से जितनी सीट है उसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। चौथा पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और राज्यसभा को
उच्च सदन कहा जाता है? उच्च सदन, और इसको कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, ये एलिजिबिलिटी है राज्यसभा की। राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, भारत का नागरिक हो, और किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, एक बार कर लो नोट आप इसको, फिर उधर साइड से लोकसभा बारे में लिखवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के गठन की। एक तो बच्चे इसका गठन कब हुआ था राज्यसभा का? एक तो गठन और दूसरा इसकी प्रथम बैठक। प्रथम बैठक, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952, और प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। गठन, अब बात करते हैं पहले थोड़ी साइड लोकसभा में, पहले सीट शेयरिंग की देख लेते हैं। और ये याद रखनी है, लोकसभा में अब मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, पहले 2 होते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 126 नंबर बिल से 2 जो एंग्लो इंडियन होते थे वो व्यवस्था हटा दिए, तो राज्यसभा में 12 बरकरार है अभी, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, राष्ट्रपति जिनको जो था वो हटा दिए 126 नंबर बिल से नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें एक तो अधिकतम और न्यूनतम कितनी होती हैं, तो पहले इसमें लिख लो, एक तो अधिकतम, पहली अधिकतम, पहली अधिकतम, अधिकतम कितनी होंगी, और ठीक है, और करंट वर्तमान में कितनी है, यानी कि ये मैक्सिमम और करंट में। ठीक है जी, तो मैक्सिमम है 550, हालांकि पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन जब से एंग्लो इंडियन हटा दिए तो फिर 550 ही चलेगा। ठीक है जी, और वर्तमान में कितनी है, 543, फिर 545 हो जाती है। ठीक है, 545 थी और 552 थी, जब से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए तो 550 और 543 से फिर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है जी,
अब बात करेंगे सीट्स के बारे में कि कहाँ से कितनी सीट्स हैं। तो पहले बात करते हैं ये किस किस में बंट रही हैं। एक तो ये 543 सीट जो हैं, एक तो है तुम्हारी ये स्टेट में, स्टेट तो पहले लिख लेते हैं स्टेट से। राज्य स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो यूटी से जो सीट है फिलहाल में लोकसभा की वो है 19 सीट। यूटी में कितनी सीट है? 19 सीट। और कितनी बच की राज्यों के लिए? 543 टोटल है, तो 19, 13 में से 4 गए तो 9, 3 में से 1 गए तो 2, 524 सीट स्टेट से हो जाएंगे। 524 सीट। अब ये हो जाएगा दूसरी बात। अब यूटी की 19 सीट कैसे कैसे हैं, तो इसमें ये तो हो जाएंगी दिल्ली, पहली दिल्ली, दूसरी जम्मू कश्मीर, एक चंडीगढ़, और जी एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, एक दादर नगर हवेली। तो सबसे पहले दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख से, उसके बाद में चंडीगढ़ से, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार और पांडिचेरी। तो दिल्ली से हैं 7, 5, एक लद्दाख से, एक चंडीगढ़ से, एक अंडमान निकोबार से, एक पांडिचेरी। 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 16। इसके बाद में दो सीट, एक तो तुम्हारी दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, दोनों से एक एक सीट। तो ये दो हो जाएंगी और एक रह जाएगा तुम्हारा लक्षद्वीप से, एक लक्षद्वीप से। एक लक्षद्वीप से
एक एक लद्दाख, एक चंडीगढ़, एक अंडमान निकोबार, एक पांडिचेरी, पांच जम्मू कश्मीर और सात दिल्ली से। तो ये हो जाएंगी तुम्हारी सीट्स उसकी लोकसभा की। और फिर बाकी कितने हो जाएंगे, 7 5 12 और 2 14 और 15 16 17 18 और 19, टोटल है 19 सीट। ठीक है जी, इसके बाद में बात करेंगे। अब लोकसभा की पहली, लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट, कार्यकाल 5 साल का। तीसरा पॉइंट, भारत का नागरिक कम से कम उम्र 25 वर्ष। उम्र 25 वर्ष। चौथा पॉइंट, भारत का नागरिक हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है जी। अब लोकसभा का गठन और इसकी प्रथम बैठक कब कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई और इसका गठन। पहला, इसका गठन हुआ था लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 और प्रथम बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो ये 1952 में। तेरह है मई 1952 में। ठीक है जी। तो ये इसकी बात हो गई। ठीक है जी। ये इसकी कुछ वैसी बातें हैं थ्योरी टाइप की। अब बात करेंगे आर्टिकल 82 की। 81 में लोकसभा होगी, आर्टिकल 82।
आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 आर्टिकल जो 82 होता है बच्चे, ये होता है जब भी हमारी जनगणना होगी, भाई 2011 की हुई है उसके बाद में तभी हुई नहीं है, तो हर जनगणना के बाद में दोबारा से सीटों का समायोजन करना, यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद में सीटों का पुनः समायोजन, ये कहता है आर्टिकल 82। प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन। अब का परिसीमन कब होगा हमारा सीटों का? अब होगा 2026 में, जो अब की अब परिसीमन होगा सीट से रिलेटेड, अब होगा वो 2026 में, ठीक है जी। ये है, और प्रत्येक जनगणना के बाद में सीटों का समायोजन, एक बार अब देख लो इनको, ये आर्टिकल 82 है, 81 हो गया, 79 राष्ट्रपति पहले ही करा दिया, ये गठन लोकसभा राज्यसभा का, सीट शेयर होंगे कि मैक्सिमम कितनी, कहाँ कितनी, किसकी किसकी एलिजिबिलिटी है। अब आर्टिकल 83, आर्टिकल 84, आर्टिकल 85, ये बताने हैं। पचासी, आर्टिकल 83, 82 में क्या हो जाएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का दोबारा से समायोजन करना, यानी कि जब जनगणना होती है तो कुछ ना कुछ जनसंख्या बढ़ के आती है, जो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, तो सीटों का तुरंत से उनको चेक करना पड़ेगा, या सीट बढ़ेंगी, सीट हालांकि भाई बढ़ानी पड़ेंगी प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का बढ़ाना। तो अब इसके बाद में आर्टिकल 83, 83 में आएगा जो संसद के हमारे सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि लोकसभा की और राज्यसभा की, लोकसभा प्लस राज्यसभा की, तो लोकसभा की कितनी होती है अवधि, टाइम पीरियड 5 साल, और राज्यसभा का 6 वर्ष या 1/3, 2 वर्ष में रिटायर, इसमें क्या आएगी 84 में, संसद के सदस्यों की, संसद के सदस्यों की अहर्ताएं,
संसद के सदस्यों की हेड़पाए का मतलब होता है कि क्या एलिजिबिलिटी है उसकी, एलिजिबिलिटी कहाँ हो गई, ये वाली, ये लोकसभा की, और ये राज्यसभा की कहाँ है, ये वाली, उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो ये तीन बात और ये तीन बात ये आ जाएंगी संसद के सदस्यों की अहर्ताएं, वो पहली लिखवा दी मैंने, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ भी कनेक्ट आप इसको कर सकते हो। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में होता है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन करना और राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान बुलाया जाना, यानी कि सिटिंग कब कब होंगी, यानी कि लोकसभा का विघटन। दूसरा, संसद के जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उनकी सिटिंग कब होगी, या फिर उनको कराएगा कौन, उनको राष्ट्रपति कराएगा। तो आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन और सदनों का सत्रावसान बुलाना, विघटन और सदनों की सत्रावसान, इसको बोलते हैं बैठक। सत्रावसान क्या होती है, बैठक। तो ये किसमें हो जाएगा, तुम्हारा आर्टिकल 85, लोकसभा का विघटन, यानी कि उसको बनाना और जब बहुमत ना हो तो उसको बिगाड़ देना और सत्रावसान करना। सत्रावसान का मतलब यानी कि बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाना। एक बात ये और याद रखनी है कि जब संसद की सिटिंग्स होंगी, लोकसभा की और राज्यसभा की, दोनों सिटिंग के बीच में कम से कम 6 माह का गैप होना चाहिए। तो आप लिख लेना, नोट करके लिख लेना, नोट दो सत्र के बीच में, कम से कम, 6 माह का गैप होना चाहिए। कम से कम 6 माह का गैप होना चाहिए, 85 हो जाएगा तुम्हारा, 85 लिखो। ठीक है जी, अब लिख लो तुम्हारा आर्टिकल 87, राष्ट्रपति का अभिभाषण मैंने बता दिया है पीछे ही, तो इसमें आएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है एक तो जन आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, और बजट सत्र की प्रथम बैठक का पहला दिन, ये होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है जी, ये हैं आपके आर्टिकल जो इंपोर्टेंट हैं।
87वां। अब लिखो आर्टिकल 93। तिरानवे आर्टिकल 93 में आएंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। एक नोट डाल के ये 93 हो जाएगा। एक लिखो 98, आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 ये आएगा तुम्हारा। संसद के सदनों के लिए पृथक सचिवालय, के लिए पृथक सचिवालय काम करने के लिए पृथक सचिवालय। सचिवालय किसके लिए होते हैं? जो इनके कर्मचारी वृंद, यानी कि जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों के कार्य के लिए सचिवालय। तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 98। आर्टिकल 100 और कर लो, एक इंपोर्टेंट है वो भी। आर्टिकल 100 इसमें आएगी संसद की गणपूर्ति। गणपूर्ति इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरम। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति ये होती है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास में 100 बच्चे, तो मैं कहूंगा कि जब तक 100 बच्चे हैं क्लास में, कितने? 100, और मैं कहूंगा कि जब तक इसके 1/10 बच्चे नहीं आएंगे क्लास में, तब तक मैं क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं। ये होता है कोरम। तो कोरम आप ऐसे मान सकते हैं कि मैंने कहा कि 100 बच्चे हैं क्लास में, जब तक 1/10 बस सदस्य बच्चे जब तक नहीं आएंगे तो क्लास की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो 1/10 कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि 100 में से जब तक 10 बच्चे नहीं आएंगे तो क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये होता है संसद की गणपूर्ति। संसद की गणपूर्ति क्या होगी? इसमें तुम्हारे 545 लोकसभा की 1/10 और 245 सीट है ना, उसका 1/10 ये हो जाएगा लोकसभा का और राज्यसभा का कोरम। ये किसका हो जाएगा? लोकसभा का कोरम। जब तक इतने सदस्य नहीं आएंगे लोकसभा की बैठक नहीं होगी, जब तक राज्यसभा में इतने नहीं आएंगे तो राज्यसभा की बैठक नहीं चलेगी। तो ये होता है कोरम। आर्टिकल नंबर 100।
ठीक है जी। एक अमेंडमेंट और कर लो, नोट डाल के, नोट नोट फर्स्ट आम चुनाव 1951 52 में हुए, ये नवंबर 1951 में से और फरवरी 1952 तक ये हुए थे। और जब ये चुनाव हुआ था ये 489 सीटों पर हुआ था, 489 सीटों पर। दो, 31वां, 31वां अमेंडमेंट एक्ट 1972 से लोकसभा की सीट लोकसभा की सीट 525 से 545 की थी। कौन सा अमेंडमेंट था ये? ये था 31वां अमेंडमेंट एक्ट 1972 में की थी। और आम चुनाव कब हुए थे? 51-52 में, नवंबर से फरवरी, 489 सीटों से हुआ था। मेरे हिसाब से तो अब ये हो ही गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब क्लास इसके बाद अब कल कराएंगे जब मैं, अब ये कंप्लीट है जी। ठीक है, एक चीज और लिख लेना, पिछली क्लास में रह गई थी वो, इसमें कर लो उसको। प्रधानमंत्री वाले में करानी थी ये, उसमें हो नहीं पाई थी ये। ये है तुम्हारी क्वेश्चन है, कौन से राज्य प्रधानमंत्री थे जो पहले भारत मुख्यमंत्री रहे थे? तो इसमें पहले लिखना, एक मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई,
ये बम्बई के सीएम रहे थे 1952 से 56 तक। दूसरे दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये 67, 68 और 70 में 2 बार रहे थे। ये यूपी के रहे थे सीएम। इसके बाद में तीसरे थे बीपी सिंह, ये भी यूपी के रहे थे सीएम। चौथे पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। पांचवे एच डी देवगौड़ा, ये कर्नाटक के सीएम थे। और छठवे थे नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के सीएम थे। ये गुजरात के सीएम थे। ये पिछली वाली क्लास में लिखाने चाहिए थे, वो हालांकि मैं लिखा नहीं पाया इनको, तो इसको आप कर लेना नोट। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन रह गया तो वो अगली क्लास में आ जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।